पनीर के पकोड़े और साथ ही साथ हरी चटनी, और ये देखिए एकदम रुई के जैसे पकोड़े। तो फटाफट रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पनीर के पकोड़ों के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम पनीर लिया है, तो इसे हम कट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं पनीर को लंबा लंबा शेप में काटूंगी, आप अपने मन चाहे आकार में कुछ इस तरह से मैं काट ले रही हूँ पनीर को लंबा लंबा, ये देखिए ऐसे। और बीच में तो पनीर के पकौड़ों के लिए मैंने ऐसे पीसेस कट किए हैं, आप अपने मन चाहे आकार में काट सकते हैं। तो ये हमारा पनीर कट के रेडी है। तो देखिए दोस्तों, पनीर मैंने काट लिया है, तो अब बेसन का घोल बना लेते हैं। तो ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने बेसन ले लिया है, ये तकरीबन एक कटोरी बेसन है, यानी मैंने दो बड़े चम्मच लिए हैं, तो ये एक कटोरी है। तो यहाँ पे 250 ग्राम पनीर के लिए इतना बेसन काफी है। मैं इसमें डाल देती हूँ धनिया, धनिया से बहुत अच्छा डाल रही, एक चुटकी काली मिर्च पाउडर, और थोड़ी सी मैं यहाँ पे जीरा पाउडर डाल रही हूँ, और मुझे डाल देना इसमें फिर नमक, स्वाद अनुसार नमक डालना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका गाढ़ा मैं घोल बनाऊंगी। ये घोल ज्यादा पतला नहीं रहेगा दोस्तों, गाढ़ा ही रहेगा, तो अच्छे से इसमें लम्स ना रहे इस तरह से इसे घोल लेना है। तो ये देखिए दोस्तों, लगभग मेरा बेसन रेडी है। देखिए दोस्तों, घोल हमारा बेसन का रेडी हो चुका है, तो अब हम चटनी बनाएंगे ताकि हमारा बेसन रेस्ट कर ले। दोस्तों, हम चटनी सिलबट्टे पे बना रहे, तो मैंने यहाँ पे धनिया लिया है, लहसुन है, और टेस्ट के लिए मिर्ची लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग रखिए कितना तीखा खाते हैं। और मैं यहाँ पे 2 चम्मच सेव ले रही हूँ, और मैं नमक डाल दे रही हूँ, आप इसकी जगह सिंगदाना या चना कुछ भी ले सकते हैं। और इसका मैं पेस्ट बनाऊंगी। तो सिलबट्टे की चटनी हमारे घर में सबको बहुत पसंद आती है। दोस्तों, चटनी हमारी रेडी हो चुकी है, तो मैं इसे उठा ले रही हूँ। चटनी हमारी रेडी हो चुकी है, तो देर किस बात की, चलो पकोड़े फ्राई कर लें पनीर के। तो तेल हमारा धुआंधार गरम हो गया है, तो अब क्या करना है, तो ये पनीर लेना है। देखिए दोस्तों, मैंने पनीर को बेसन में डुबा दिया है, तो ये देखिए पनीर में से बेसन ऐसे टपक रहा है, तो ऐसे ही हमें घोर करना है। तो कढ़ाई में एक एक डाल देना है। तो ये देखिए, ऐसे फटाफट पकोड़े हमारे तैयार हो जाते हैं, रुई के जैसे। आप देखना एक पकने के बाद कितना डिलीशियस लगेगा। तो ये देखिए, पकोड़े हमारे रेडी होने वाले हैं पनीर के। तो ये देखिए, फ्राई हो रहा है पनीर के पकोड़े थोड़ा। तो देखिए दोस्तों, ये कितना जल्दी सुनहरा हो गया है, ये देख लीजिए। आप जब ट्राई करेंगे आपको बहुत मजा आएगा। तो देखिए दोस्तों, पनीर के पकोड़े हमारे रेडी हो गए हैं, तो इसे मैं निकाल ले रही हूँ। ये देखिए, एकदम माउथ वाटरिंग पकोड़े बने हैं। पकौड़े फ्राई होते हैं, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। आप लोगों को खुशी मिलती है पकौड़े खाने से, कमेंट में जरूर लिखिए। इसे मैं एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ, अब चटनी के साथ फटाफट सर्व करना है।
तो देखिए दोस्तों, पनीर के पकौड़े रेडी हो चुके हैं एकदम रुई की तरह। मैं दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट बना, ये देखिए कितना स्पॉन्जी। ये देखिए, तोड़ के मैं दिखाती हूँ, मेरी जबान फसल गई। ये देखिए, पनीर को ऐसे चटनी के साथ डिप करना है, ये देखिए खा लेना है। अगर दोस्तों हमारा चैनल पसंद आता है तो दीदी की रेसिपी सब्सक्राइब कर ले कि आने वाली वीडियो तभी मिलेगी। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर जरूर करिए। बाय, जरूर करिएगा। गिरा दिया।